नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भाई, किसने कहा है कि किस तरीके से आप, जब क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर आपको कुछ भी करना हो आप वो कर सकते हैं, मैच कहीं का भी कहीं से भी पलट सकता है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेट को जो अनिश्चितताओं का खेल जो कहा जाता है वो किसी ने खराब नहीं कहा है। दरअसल बीती शाम हमने एक ऐसा मुकाबला देखा जिसमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत की बी टीम जो है वो श्रीलंका को हराने में कामयाब होगी। पहले मुकाबले में भारत ने टोटल डोमिनेंस किया, पूरे तरीके से श्रीलंका को चारों खाने चित किया। दूसरे मुकाबले में जहां भारत की 5 विकेटें जल्दी गिरी, श्रीलंकाई टीम की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। श्रीलंकाई गेंदबाज चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे, कीपर चढ़कर स्लैच कर रहे थे, उसके बावजूद भारत के युवा जोश ने दिखाया कि क्यों टीम इंडिया के पास ऐसा बंच है कि उसके सीनियर खिलाड़ी ना भी हो तो फिर भी टीम इंडिया यहां पर जीत दर्ज कर सकती। दरअसल दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त 84 रनों की पार्टनरशिप ने भारत को जीत तो दिलाई, साथ ही शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने शुरुआती 2 मुकाबलों में ही वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया। इस बीच भारत की जो सीनियर टीम है वो इंग्लैंड में बैठ के प्रैक्टिस मैच जरूर खेल रही थी, लेकिन प्रैक्टिस मैच के साथ साथ यहां पर भी नजर थी। दरअसल इंग्लैंड में भारत और डहम के बीच एक प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है क्योंकि 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है। यहां पर विराट कोहली एंड कंपनी मैच देख रहे थे भारत की बी टीम का, और जैसे ही दीपक चहर ने मैच जिताया जबरदस्त रिएक्शन भारत के सीनियर खिलाड़ियों का देखने को मिला। रवि शास्त्री हैरान थे, विराट कोहली हैरान थे, ईशांत शर्मा हैरान थे, रोहित शर्मा हैरान थे, रविंद्र जडेजा हैरान थे। हर किसी को यह लगा कि आखिरकार भारत ये हारा हुआ मैच जीत कैसे गया। लेकिन कहते हैं ना कि कोविड काल में क्रिकेट खेलने का तरीका बदला है, क्रिकेट पूरे तरीके से बदल चुकी है। हो सकता है कि आने वाले वर्ल्ड कप में जो हम 15 लोगों का स्क्वाड देखते थे वो हम 20 लोगों का देखें, क्योंकि आपको एक बायो बबल में प्रवेश करना पड़ता है। बायो बबल के अंदर अगर आपका खिलाड़ी कोई चोटिल होता है तो फिर आप बाहर से खिलाड़ी बुलाते हैं, उसको क्वारंटीन कराना पड़ता है। तो कोविड काल के दौरान क्रिकेट के नियम बदले, लेकिन उसके साथ ही जो रोटेशन पॉलिसी जो कि बड़ी बड़ी टीम्स कर रही हैं आजकल, इंग्लैंड ने किया, टीम इंडिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, रोटेशन पॉलिसी के तहत आपके पास एक ऐसा बंच तैयार है कि आपकी टीम दुनिया की किसी भी पिच पर जाकर किसी भी अपोनेंट को ध्वस्त कर सकती है। ये हमने कल देखा, और जिस अंदाज में श्रीलंका में दीपक चहर की बल्लेबाजी हुई है, कृणाल पांड्या की बल्लेबाजी हुई है, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी हुई है, उस लिहाज से देखा जाए तो अब सीनियर खिलाड़ियों को भी अपनी जगह जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में लग रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में भारत को T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन युवा खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। ईशान किशन अगर उसी फ्लो में खेलते हैं तो क्यों नहीं उनको एक फियरलेस क्रिकेट खेलने की बात कही जाए, क्योंकि हम ये हमेशा से देखते आए हैं। बीते कई महीनों से बात भी हो रही थी, कई पत्रकारों ने भी बात कही थी, हमने भी एक वीडियो में बात कही थी कि भारत का जो वनडे क्रिकेट खेलने का तरीका है ना, ये अभी भी ये पुराने डर्रे में चल रहा है। अगर आप इंग्लैंड की टीम से कंपैरिजन करेंगे तो उनके अंदर एक चीज है कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, शायद यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम को इतनी सक्सेस मिली है। अब अगर ये युवा खिलाड़ी आकर खेलते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में खेलें, अगर ये डोमिनेट करना जानते हैं, अगर ये तेज खेलना जानते हैं, अगर ये फियरलेस क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है। शायद इसी चीज को सीनियर खिलाड़ियों ने एनालाइज किया, उन्होंने इनका मैच देखा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। यही वजह है कि यंगस्तान ने बता दिया है कि अब सिर्फ मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।